ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16 और 68। रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, समझाने वाला भी रूहानी बाप और समझने वाले बच्चे भी रूहानी। क्यों याद दिलाया? मोस्टली हर मुरली के आदि में ऐसे वाक्य क्यों आता है? टेंशन दिलाते हैं। क्या टेंशन दिलाते हैं? अटेंशन दिलाते हैं कि समझाने वाला जिस्मानी ब्रह्मा नहीं है, जिस्मानी प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, कौन है? रूहानी बाप है। और जो बच्चे रूह की स्मृति में बैठे हैं, स्टार की याद में बैठे हैं, उनको ही समझाते हैं। परंतु ऐसे नहीं समझ लेना कि रूह सिर्फ निराकार है, सिर्फ बिंदु है। नहीं, रूह अभी साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। कब? जब रूह साकार में है तो किसकी संतान है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सभी कहते हैं कि ये भाई बहन बनाते हैं। अभी बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। ये शरीर इस सृष्टि पर आकर के धारण किया है तो तुम नकली बन गए हो। असल में तुम आत्मा हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, पहले तुम थे शूद्र, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए हो, क्योंकि ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा के फॉलोअर कहो, ब्रह्मा के बच्चे कहो, प्रजापिता ब्रह्मा का तो नाम बाला है। क्योंकि ब्रह्मा नाम के तो बहुत हैं। कितने हैं? 4 हैं जो सिर्फ ब्रह्मा नाम के हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा नाम का सिर्फ एक ही है। इस हिसाब से तुम बच्चे समझते हो कि हम सब भाई बहन ठहरे। जो भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। एक बाप, और माताएं कितनी हुई? दो माताएं।
ब्रह्मा नामधारी कितने? तो कितनी माताएं हुई? चार माताएं हुई। जैसे भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते एक जूती गई, अभी दूसरी लेते हैं। ये भी पुरानी जूती है। पुरानी जूती कह के किस तरफ इशारा किया? दादा लेखराज की तरफ इशारा किया, बता दिया कि ये पुरानी जूती भी चेंज होनी है, फिर नहीं लेंगे। तो सभी तुम भाई बहन हो और ये बात समझाना है बेसमझों को। क्या ब्रह्मा सो विष्णु तो बनेंगे, परंतु कौन से ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए? विष्णु कोई एक का नाम तो है नहीं। विष्णु को कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। तो क्या स्थूल भुजाएं हैं कि चैतन्य है? चैतन्य भुजाएं हैं। सहयोगी आत्माएं हैं। किसकी सहयोगी? बाप प्रजापिता की सहयोगी। तो भुजाओं को चलाने वाला कौन हुआ? प्रजापिता। चार भुजाएं हैं मददगार के रूप में, कोई लेफ्टिस्ट के रूप में, कोई राइटियस के रूप में, कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं। अब तुम सब ब्राह्मण बैठे हो तो एक कैटेगरी के ब्राह्मण होंगे या चार कैटेगरी के होंगे? है चार कैटेगरी के हो गए। कोई सतयुग में आवेंगे, कहेंगे ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं। कोई त्रेता में आवेंगे, कहेंगे क्षत्रिय। कोई द्वापर में आवेंगे, कौन सी स्टेज पकड़ लेंगे? विशेष ब्राह्मण। और कोई कलयुग में आवेंगे, 33 करोड़ देवताएं तो है ना, तो चार युगों में आते रहते हैं। ऊंच और नीच तो होते ही है। तो ये बात समझने की है, क्योंकि बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, अकल कुछ भी नहीं है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं कि ये फलाना है, जैसे हनुमान की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, कहते हैं फलाना देवता है, परंतु ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा बना? जानते कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए, कैसे बने, नर से नारायण, और कहां चले गए, कोई भी नहीं जानते हैं।
और कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोग्राफी सब को पता है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई, कहाँ राज्य किया, कहाँ शरीर छोड़ा, पूरी बायोग्राफी का बताते हैं। अगर बायोग्राफी कोई नहीं जानते हैं तो किस काम का। ऐसे ही देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो सब जानते हैं, कितनी हिस्ट्री बैठ लिखी है, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं, जिनकी बैठ पूजा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। अब देखो शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते रहते, फिर मुख से कह देते ये तो पत्थर ठिक्कर कण कण में है, सर्वव्यापी है, ये उनकी जीवन कहानी हो गई। कण कण में व्यापक होना ये कोई जीवन कहानी है क्या? कह देते हैं कच्छ अवतार लिया, मच्छ अवतार लिया, फिर 84 लाख योनियों में ले आते हैं, ये तो अकल की बातें नहीं है। बेअकल होने के कारण कितने बेअकली के काम करते रहते हैं। अकल माना कब पतित काम नहीं करेंगे, जो अकलमंद होंगे। ये पतित अक्षर कितना छीछी है, छीछी छीछी क्यों? पतित अक्षर कहने से ही छीछीपना क्या हो गया है? क्यों छीछी कहा? इसलिए कहा कि ज्यादा पतन कौन से युग से होता है, है? द्वैतवादी युग से। तो क्या सतयुग त्रेता में पतन नहीं होता है? पतन तो होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का पतन पता नहीं चलता है। और द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों का पतन शुरू हो जाता है। जब शक्ति क्षीण होती है तो जैसे किसी आदमी को टट्टी पेशाब होने लगती है, ऐसे छीछी बन पड़ते हैं। इसलिए पतित को क्या कहा जाता है? छीछी कहा जाता है। अक्षर कितना छीछी है, काम ही ऐसे करते हैं। विकारी माना ही पतित, विकारी वी और कारी, वी माने विपरीत, कारी माने कारी करने वाला। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करते हैं। क्या कार्य नहीं करना चाहिए? दुख देने का कार्य नहीं करना चाहिए,
और वही कार्य करते हैं। आज मैं दुखी, बीजारोपण में दुखी, जन्म लेते रो रो करके दुखी, जन्म देने वाला भी दुखी, लेने वाला भी दुखी, सारा जीवन दुखी, और अंत मते भी घावड़े लेकर शरीर छोड़ते हैं। तो फिर अंत मते सुगति हो जाती है, फिर छीछी दुनिया में जन्म लेते रहते, तो उनको कहेंगे विकारी। ये तुम समझा सकते हो कि हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमने कोई विकार से जन्म नहीं लिया है। काहे से जन्म लिया है? हम मुखवंशावली हैं। मुख भ्रष्ट इंद्रिय है या श्रेष्ठ इंद्रिय है? श्रेष्ठ इंद्रिय है। हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मुखवंशावली है। कौन? हम ब्राह्मण। वो ब्राह्मण नहीं, हम क्यों कहा? जो हम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली है, ब्रह्मा को भी जानते हैं और प्रजापिता को भी जानते हैं, माता पिता दोनों को जानते हैं, वो हम सब क्या है? श्रेष्ठ मुखवंशावली है। हम कोई कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद से हमारा प्यार नहीं है। कोई बैठा है यहां जिसने ब्रह्मा की गोद का आनंद लिया हो? है? आनंद लिया होगा तो याद आएगा, रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, नहीं तो याद भी नहीं आएगा। तो यहां सब कौन से वंशावली है? मुख वंशावली नहीं है हम तो मुख वंशावली है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तो हम भाई बहन हुए ना, है श्रेष्ठ है तो क्या है? भाई बहन है। और भ्रष्ट है तो भाई बहन कहला ही नहीं सकते। जिन भाई बहन की आपस में क्रिमिनल लाई हो जाती है उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है परिवार में। बाप कहेगा ऐसा बच्चा तो ना पैदा होता तो अच्छा था, खराब ख्यालात हो जाती है। वो है काम की ख्यालात। ये काम विकार महाशत्रु है, परंतु भाई बहन में तो काम विकार के संकल्प नहीं चलते हैं। अगर चलते हैं तो कहेंगे विकारी, क्योंकि दूसरे से विकार करते हैं। भाई कोई बहन के साथ विकार थोड़े ही करते। कोई बच्ची दूसरे से खराब होती है तो माँ बाप को गुस्सा लगता है, कहते हैं कि न जन्मी होती तो अच्छा था। ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत केस होते रहते हैं। तुम कहते हो हम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, आपस में पक्के पक्के भाई बहन हैं,
जैसे वेद के निराकारी बाप के संतान हैं, फिर साकार में आने से पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान, भाई भाई हैं, ये बात भी हमको पक्की है। कब हैं भाई भाई है? ब्रह्मा बीच में नहीं, इसकी संतान शिव बाबा की संतान, शिव बाबा है निराकार तो हम संतान भी निराकार। तो ये भाई भाई पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अभी तुम इस फिकरे को भी समझा सकते हो कि ये जो तुम कहते हो ये किस समय की बात है, हैं? ये सृष्टि के आदिकाल की बात है, जब नई सृष्टि स्थापन करने के लिए भगवान बाप आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को अपनी संतान बनाते हैं, पहला पहला परिचय देते हैं, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम सब आत्मा हो, तुम आत्माओं का बाप, मैं परमपिता हूं, तो सब आपस में भाई भाई हो। आत्माओं का बाप एक है और उनको सभी पुकारते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गॉडफादर को सब पुकारते हैं। तुमने चित्र में भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी उस निराकार बाप को मानते हैं, मुसलमान लोग भी मानते हैं, हज करने जाते हैं तो मोहम्मद साहब ने एक पत्थर लाकर रखा था, उस पत्थर को संगे या सबद नाम दिया है, जब तक उसको सिजदा न करें तब तक हज की यात्रा पूरी नहीं समझते, चुम्बन करते हैं, वो है निराकारी आत्माओं का बाप, जिसको बौद्धि भी मानते हैं, त्राटक करते हुए देखे जाते हैं। हिंदू भी मानते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं जो निराकार की यादगार है, ईसाई भी मानते हैं, उनकी बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट। वो ही निराकार बाप फिर साकार में सृष्टि में जब आता है तो सबका बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। जब तक वो आता नहीं है तब तक प्रजापिता ब्रह्मा की भी पहचान किसी को नहीं होती है। वो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान फिर वृद्धि को पाते रहते हैं और वो भिन्न भिन्न धर्मों में आते हैं, किसकी संतान? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भिन्न भिन्न धर्मों में आते हैं, कोई देवता धर्म में आते हैं, कोई क्षत्रिय धर्म में आते हैं, कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म में आते हैं, कोई उन मुख्य धर्मों में से निकली हुई टार्टारियों में आते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है ना,
शरीर को देख करके कहते हैं ये अमेरिकन है, ये बौद्धी है, ये फलाना है, पता तो चलता है ना। अरबियन का, अमेरिकन का, बौद्धी का कैसे पता चलता है? शरीर को देखने से पता चलता है। जैसे बीज है, बीज में झाड़ समाया हुआ है। कोई बीज बहुत छोटे होते हैं तो भी पता तो चल जाता है ना। तो आत्मा को नहीं कहते हैं ये फलाना है। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। तो नाम आत्मा पर पड़ता है या शरीर पर पड़ता है? है शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा तो बिंदु 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 एक जैसी आत्माएं, उनका अलग अलग नाम तो हो नहीं सकता। परंतु आत्माओं का जो बाप है उसके शरीर का नाम नहीं है, नहीं है, है नहीं है। पूजा होती है कि नहीं? आत्मा का नाम है, आत्मा का नाम है, शरीर का नाम। अच्छा, मंदिर में किसकी पूजा होती है? है लिंग की पूजा होती है। फिर उसे लिंग क्यों कहा, कान क्यों नहीं कह दिया, नाक कह दो, नहीं कहेंगे? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो लिंग उस स्वरूप की यादगार है जिस साकार स्वरूप में वो निराकार बाप शिव प्रवेश करते हैं। बाकी उनका अपना शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो सदैव ही बिंदी है, शरीर में प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज वाला है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, उस शरीर के आधार पर ही सब पार्ट बजाते हैं। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सभी धर्म वाले लेते आते हैं और ऊपर से नए नए भी आते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्यों को ही तो सृष्टि के आदि मध्यंत का मालूम होना चाहिए ना कि सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और इस चक्र का रचयिता कौन है, कितना समय इस चक्र को फिरने में लगता है। ये बातें तुम ही जानते हो। सतयुग में देवताएं भी इन बातों को नहीं जानेंगे। मनुष्य ही जान करके फिर देवता बनते हैं। मनुष्य जानते हैं और देवताएं नहीं जानते, इसका कारण क्या? देवताएं बुद्धू क्यों होते हैं? देवताएं नहीं जानते, मनुष्य जानते हैं। अरे नाम ही है मनुष्य, मन है तो मनुष्य है। मन बुद्धि की प्रधानता मनुष्यों में होती है या देवताओं में होती है? मनुष्यों में होती है। जो मनन चिंतन मंथन करता है,
सोचता है, विचारता है, संकल्प करता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। उस मनुष्य को देवता बनाने वाला कौन है? बाप आकर के अपना परिचय देते हैं और रचना का परिचय देते हैं, बताते हैं कि रचयिता है बाप और रचना है सब बच्चे। बाप ही आकर के आत्माओं का परिचय देते हैं, नहीं तो इस सृष्टि पर कोई को भी आत्मा का परिचय नहीं होता है। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं, कौन है बीज रूप है? एक बाप या दो बाप? एक बाप बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि का बाप वो बीज नहीं है, है? वो भी तो बीज है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी सृष्टि के आदि में जब बीज आरोपण होता है तो प्रत्यक्ष होता है, मध्य में जैसे जैसे वृक्ष का विस्तार होता जाता है तो बीज लोप होता जाता है, और अंत में जब वृक्ष पूरा होता है फूल फल बन जाते हैं, फल पक जाते हैं तो अंदर बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष कैसे होता है, है? जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है ऐसे तुम बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। कैसे प्रत्यक्ष होता है बीज? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बीज फल से, पत्तों से, टहनियों से, सारे वृक्ष से, जड़ों से अपने को डिटैच कर लेता है। तो बीज के डिटैच करने का समय आया या बीज के साथ साथ जो बीज रूप बाप और उसके बच्चे हैं उनको भी डिटैच होने का समय आ गया? सांप के डिटैच होने का समय आ गया। नंबर बन जावेंगे। किस बात से नंबर बनेंगे? क्या फाइनल पेपर है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो जो अपन को डिटैच करते जावेंगे देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, और जितनी जल्दी डिटैच करेंगे उतनी जल्दी उनका नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, हम बच्चे भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये बातें समझा नहीं सकता। बल गीता में लिखा है ऊर्धम मूलम मदशाख अश्वत्थम माहुरव्ययम्। ये सच्ची रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे को फैली हुई हैं, इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। परंतु इसका डिटेल कोई भी समझाए नहीं सकते हैं कि ये कैसे पैदा होता है, क्या इसकी ड्यूरेशन है, क्या इसकी आयु है। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो। मनुष्य तो मनुष्यों को नहीं समझा सकते।
वो तो तुम भी मनुष्य है, परंतु तुमको बाप ने समझाया है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। जब तक कोई यहां ना आए, आकर के बैठ न समझे, तब तक कोई समझ कैसे सकता है। जब पूरा कोर्स बैठ कर ले समझे, तब ब्राह्मणों की सभा में आवे। क्या ब्राह्मणों की सभा में आने का, आकर के बैठने का नियम क्या बताया? पूरा कोर्स ले, पूरी बात समझे कि बाप कौन है और बच्चे कौन है, वेद के बाप कौन कितने, और मनुष्य सृष्टि की वृद्धि कैसे होती है, सारा कोर्स लेना पड़े, तब ब्राह्मणों की सभा में अलाउ करना जाए, करना पड़े। इस सभा को क्या नाम दिया है शास्त्रों में? इस सभा का नाम है इंद्र सभा। किसकी सभा? इंद्र। इंद्र किसको कहा जाता है? हाँ, शास्त्रों में देवताओं के राजा का नाम दिया है इंद्र। इंद्र नाम क्यों दिया है? हाँ, इंद्र नाम दिया है काम के आधार पर। निराकार बाप जब आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं। किस आधार पर? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, तो इंद्र नाम पड़ता है इंद्र सभा का। इंद्र कोई वो इंद्र नहीं जो शास्त्रों में लिखा है कि पानी की बरसात बरसाते हैं। जब अकाल पड़ता तो ऋषि मुनि क्या करते थे? हैं? यज्ञ रचते थे, इंद्र देवता का आवाहन करते थे कि आकर के बरसात बरसाएं। तो क्या पानी की बरसात बरसाते हैं? है? ज्ञान की बरसात है, इंद्र देवता बरसाते हैं या भगवान बरसाते हैं? है? भगवान बरसाते। इंद्र देवता का नाम क्यों दे दिया है? हाँ, नाम इसलिए दिया कि काम करना पड़े, और काम सब कोई नहीं कर पाता। क्या काम सब कोई कर लेते हैं? क्या नहीं? जो अव्वल नंबर काम करने में जाता है उसका नाम प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कहते हैं जो ओट ऐसे अर्जुन, तो इसको इंद्र सभा कहा जाता है। 1668 की वाणी का दूसरा पेज। इस इंद्र सभा की तुम परियां हो। इंद्र सभा में कौन गाई हुई है? इंद्र सभा में जैसे देवताएं गाए हुए हैं, वैसे परियां भी गाई हुई है। क्या नाम दिए हैं? उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, पुखराजपरी, ये नाम है ना? नीलंबरी, जिसको जो ज्यादा याद है सो बताएगा नाम। परिया तुमको भी बनना है। क्या परिया तुमको भी बनना है? कैसे? ज्ञान योग के पंख धारण करेंगी और ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ेंगी तो तुम्हारा नाम भी परियां पड़ जावेगा।
अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। हाँ क्यों देवता हैं? हाँ तो एक ही जन्म में बनेंगे देवता है? और जन्म में नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? देवता ही बनते रहेंगे और क्या बनेंगे? परियां भी बनेंगे। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, तो शूटिंग कहाँ करेंगे? यहाँ शूटिंग करनी पड़े ना, ऊंची स्टेज में उड़ना पड़े कि नहीं उड़ना पड़े? उड़ना पड़े। ज्ञान के पंख से ही उड़ेंगे कि ज्ञान योग पंख, दोनों के पंखों से उड़ेंगे? ज्ञान और योग दोनों के पंखों से उड़ेंगे। उड़ेंगे तब जब परियों के समान पवित्रता को धारण करेंगे। अगर पुरुष पने का भान रहा तो दुर्योधन दुशासन का टाइटल होने पर फिर ऊंची उड़ान उड़े ही नहीं सकते, इसलिए क्या बनना पड़े? परियां बनना पड़े। कोई बच्ची बड़ी अच्छी शोभायमान परी होती है तो कहते हैं ना, ये तो जैसे कि परीजात है, इस दुनिया में तो पाउडर आई लगा करके सुहानी खूबसूरत बन जाती है। सतयुग में तुम बनते हो परियां परीजात। अभी तुम ज्ञान स्नान करने से परियां बन करके निकलेंगे। क्या कहां निकलेंगे? सतयुग में निकलेंगे? नहीं, इसी दुनिया में। तुम ज्ञान स्नान संपन्न स्टेज में जब कर लेंगे तो परिजात बन करके निकलेंगे। तुम्हारा फिर गायन होगा, संपन्न स्टेज का ही गायन होता है। तुम समझते हो कि हम पहले क्या थे, अभी देखो क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, जो सदा खूबसूरत है, वो मुसाफिर बाप आकर के तुमको ऐसा बनाते हैं। वो बाप तो सदैव गोरा है, वो कब सांवरा नहीं बनता है। तो ये श्याम सुंदर नाम किसका है? है वो कभी सांवरा नहीं बनता, वो सदैव गोरा है। तो गोरा शरीर के द्वारा होता है, काला सांवरा शरीर के द्वारा होता है कि बिना शरीर के प्रत्यक्ष होता है? शरीर से प्रत्यक्ष होता है। तो जो बाप सदैव गोरा है, कब सांवरा नहीं बनता है, वो कौन? है कोई? है, है? शिवबाप। शिव तो बिंदी का नाम है, है? बाबा कहे तो साकार चाहिए, फिर साकार बताओ। संपन्न रूप में है, जब संपन्न बनता है तो सांवरा नहीं, गोरा ही गोरा रहता है तब गोरा, और संपन्न नहीं बनता है तो सांवरा। सांवरा होगा तो निश्चय निश्चय के चक्र में आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। और गोरा होगा तो निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आवेगा। तो कौन सी आत्मा है जो निश्चय निश्चय के चक्र में आती रहती है, और कौन सी आत्मा है जो निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आती है? जो निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आती है, उस स्वरूप के द्वारा शिव ज्योति बिंदु बाप जो सदैव निराकार है, वो साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। तो बताओ,
डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, मास्टर मास्टर बनावेगा। अब गोरा कौन बनावेगा? जो गोरा होगा है, जो एवर गोरा होगा, जो एवर गोरा होगा तो गोरा बनावेगा। तो कौन एवर गोरा है और कौन अभी एवर सांवरा है? जो सदा निश्चय बुद्धि है तो गोरा है, अनिश्चय बुद्धि है तो सांवरा है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है, अप एंड डाउन में आता है तो सांवरा है। अभी तुम गोरे बनते हो, तुमको गोरा बनाने वाला पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। क्या है? ज्ञान का सागर। सागर धरणी से लिपट के रहता है हमेशा या आसमान में रहता है? धरणी से प्रवृत्ति में रहता है, वो प्रवृत्ति से बाहर नहीं होता। तो कौन है सागर और कौन है सूर्य? है एक है सागर, सागर में कचरा भी ढेर भरा पड़ा है और सागर में रतन भी ढेर के ढेर भरे पड़े हैं, उसे रत्नागर भी कहा जाता है। तो कौन है ऐसा सागर जिसे साकार कहा जाता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है? वो बीज रूप बाप ज्ञान का सागर कब प्रत्यक्ष होता है? जब निराकार ज्योति बिंदु से वो उसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, तो वो एक ही बाप है। कौन सा ज्ञान आकर के देते हैं? रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं। कौन है रचयिता? रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। कुम्हार है रचयिता, घड़ा है रचना। घड़ा सदैव घड़ा ही था क्या? है नहीं, पहले मिट्टी थी। कुम्हार ने मिट्टी से क्या बनाया? घड़ा बनाया। तो तुम भी पहले क्या थे? मिट्टी थे। तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बन गई? पत्थर बन गई। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है, वो प्रेम का सागर है। प्यार का सागर, प्रेम का सागर शरीर के द्वारा बनता है या बिना शरीर के प्रेम प्रत्यक्ष होता है? शरीर के द्वारा बनता है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ा ही हो सकती है। उस कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही तो बोला है, ब्रह्मा के बाजू में ही तो बैठा है। ये वाक्य बोलने वाला कहां बोल बैठा है? ब्रह्मा के तन में बैठा है, ब्रकुटी के मध्य में बैठा है, ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में ही बैठा है, तो उस क्यों कहता है? है हाँ, इशारा दिया। उस माने दूर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़े ही गाई जाती है। ब्रह्मा को लौकिक कहें, अलौकिक कहें या पारलौकिक कहें,
प्रजापिता ब्रह्मा को लौकिक कहें, अलौकिक कहें या पारलौकिक कहें, है तो लौकिक लेकिन बेहद का बाप है कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। बेहद के बाप की महिमा है, उनको सभी पुकारते हैं, इनको नहीं, किनको? उनको सभी पुकारते हैं कि हमको भी ऐसी महिमा वाला आकर के बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। पढ़ाई में सभी एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क हो जाता है। तुम्हारे पास भी तो आवेंगे बहुत, जो भी आवेंगे उनको ब्राह्मण जरूर बनना है, चाहे क्रिश्चियन धर्म से आवे, इस्लाम धर्म वाले आवे, बौद्ध धर्म वाले आवे, सिख धर्म वाले आवे, कोई भी आवे, उन्हें क्या बनना पड़ेगा? उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनना पड़े। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो उनकी पहचान क्या होगी? है, अरे क्लास में भी जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है तो उसको मॉनिटर बनाए देते हैं। वो क्या करता है फिर? वो मॉनिटर क्या करता है? है, औरों को भी पढ़ाता है, तो क्या पहचान हुई अच्छा पढ़ाई पढ़ने वालों की? हाँ, अपने अपने दिल के अंदर देखें कि हम अच्छा पढ़ने वाले हैं या दल बुद्धि है। अगर अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाले हैं तो जरूर औरों को भी पढ़ावेंगे। ये बात तुम समझ सकते हो। इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, बाबा भी कहते हैं ऐसा कॉलेज बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत में। नाम भारत क्यों दिया है? भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ, काय में लगा हुआ, ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहे, उसका नाम पड़ा भारत। उसका अंजाम क्या होता है? जो ज्ञान की रोशनी में ही सदैव लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में ही लगा रहता है, मक्खन बनाने में ही लगा रहता है, सार निकालने में ही लगा रहता है, उसका अंजाम क्या होता है? अंजाम फुल बेगर, बेगर बनना अच्छी बात है क्या है? अच्छा, जब ज्ञान में लगा रहेगा तो अंत में बेगर बन जाएगा। ऐसे ज्ञान से तो न ज्ञान में आना अच्छा है। हाँ, उसका अंजाम क्या होता है? नर से नारायण बन जाता है। नारायण का अर्थ क्या है? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। कहाँ घर बन जाता है उसका? ज्ञान जल में ही उसका घर बन जाता है। इसलिए यादगार में क्या दिखाते हैं? तालाब दिखाते हैं, क्षीर सागर दिखाते हैं, उसमें दूध डालते हैं, ढेर का ढेर दूध डाल देते हैं और उसमें क्या, नाग के ऊपर, शेष नाग के ऊपर आराम से बैठा हुआ नारायण दिखाते हैं। कहाँ हुआ घर उनका? ज्ञान जल ही उनका घर है। तो देखो,
भारत में बाप आते हैं और भारत में ही काले जादी खोलते हैं। आगे चल करके बहुत कॉलेज खुलते जावेंगे। क्या बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि चाहिए ना, जहां बहुत आकर के पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो जावेंगे, सभी ट्रांसफर हो जावेंगे। अर्थात मनुष्य से देवता बन जावेंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है क्या? अरे मनुष्य से देवता बनने का क्या गायन है? मनुष्य देवता की ये करत न लागी वार, देर नहीं लगी। अरे ये 70-71 साल किस खाते में चले गए? देर नहीं लगी तो एक सेकंड में ब्रह्मा है, ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगे। हाँ वो 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड लगेगा तो ये 70-71 साल ब्रह्मा को नहीं हो गए अभी? हाँ पढ़ाई पढ़ने में लग गए, चलो ठीक है पढ़ाई पढ़ने, फिर 1 सेकंड क्यों? हाँ भले 70-71 साल हो गए तो भी जो निश्चय होना चाहिए, अटल अडोल अखंड निश्चय होना चाहिए, वो निश्चय निश्चय बुद्धि विजयते नहीं बने। झंडे में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, माने कुछ न कुछ आत्मा में झूठ समाया हुआ है, भरा हुआ है, सत्य को नहीं पहचाना। ये सारी दुनिया सच्चों की है या झूठों की है? झूठों की है। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र सब क्या है? सब झूठे हैं। फिर सत्य बाप कौन है? किसका संग करें? सत्संग करें। अरे तो दुनिया में बहुत से सत्संग होते हैं, चले जाओ, इसमें बाप नहीं है। उनको सत्संग नहीं कहेंगे, वो कोई भी सत्य नहीं है, सब झूठे हैं। सत्य की पहचान क्या होगी? है जो अटल होगा, अडोल होगा। सत्य तो बिठो नच्चे, जो सच्चा होगा वो सदैव नाचता रहेगा। कभी बाथरूम में डांस किया है? खुशी में डांस होता है। यहां ये है मनुष्यों की दुनिया और वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं में और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? है उनका मन एकाग्र है, बिंदी ही याद रहती है, है? आराम किए हुए होंगे तो भी बिंदी याद, चलते फिरते होंगे तो भी बिंदी की याद, और यहाँ हमको हम घड़ी घड़ी बिंदी भूल जाते हैं। क्या याद आ जाता है? वो देह याद आ जाती है, देह की इंद्रियां याद आ जाती है। तो देवताओं में और मनुष्यों की स्मृति में रात दिन का अंतर है। सिर्फ स्मृति में ही अंतर नहीं है, वायुमंडल में भी अंतर पड़ जाता है।
वाइब्रेशन में अंतर पड़ जाता है, कर्मों में अंतर पड़ जाता है, कर्म इंद्रियों में भी अंतर पड़ जाता है, दृष्टि में अंतर पड़ जाता है, वृत्ति में अंतर पड़ जाता है, वाचा में अंतर पड़ जाता है। जो देव आत्मा होगी बनेगी वो वाचा से एक शब्द भी ऐसा नहीं निकालेगी जिससे दूसरे को दुख हो जाए। कितना रात दिन का फर्क है। ओम शांति।